नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज आपका भारत दस्तक के ऊपर। आपको जैसा कि पता होगा, आकाश आनंद ने एक बयान दिया था कि कौन चंद्रशेखर, कौन भीम आर्मी, हमने जानते थे छोटे मोटे लोगों को, जिसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बवाल सा हो गया था, ट्विटर के ऊपर। लेकिन दोस्तों, अभी जयपुर की रैली में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आकाश आनंद ने बहुत ही बड़े हमले बोले हैं। चंद्रशेखर आजाद को चमचा बोला है, वो वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं घूम रही है, और भारत दस्तक के ऊपर भी वो वीडियो कटिंग डली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आकाश आनंद ने क्या बोला था चंद्रशेखर को लेकर, तो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा था ऐसे चमचे लोग, बिना नाम लिए बोला था, ऐसे चमचे लोग जो कि आरएलडी की गोद में जाके बैठ जाते हैं, कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाते हैं, आरएलडी जो समाजवादी पार्टी है उसके सामने दो सीटों के लिए रोने लग जाते हैं। तो साफ साफ यहाँ पे चंद्रशेखर की बात हो रही थी। बीएसपी के लोग चंद्रशेखर को ऐसे ही ट्रोल करते हैं ये कहकर, यहां तक कि चंद्रशेखर को गुलाम भी बता दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ गई है। भीम आर्मी के पद अधिकारी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहते हैं, आकाश आनंद को क्या है वो मैं बताऊंगा, मतलब आकाश आनंद के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है सब कुछ बताऊंगा। तो ये ट्वीट से कुछ जो कि ट्विटर पर आए हैं आकाश आनंद के बारे में लोगों ने लिखा है, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले लिखते हैं रणवीर सिंह गौतम, वो बताते हैं रानी के पेट से राजा नहीं गधा पैदा हुआ है बेचारा। ये इनके विचार है, हमारे विचार नहीं है। ये कुछ आकाश आनंद के बारे में टिप्पणियां आई है जो मैं आपको बता रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर। कोमल जी लिखते हैं किस सड़क छाप को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, इसको बोलना तक नहीं आता, मिश्रा आईटी सेल की पत्र लेखा पढ़ रहा है। आकाश आनंद सड़क छाप उफ पप्पू, सबर रखो इलाज करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आकाश आनंद है पूरा भाषण को पढ़ के बोल रहे थे, यानी कि लिख कर लाए थे कहीं से, वो पढ़ रहे थे, इसलिए उनके बारे में ऐसा लिखा गया है। और एक और ट्वीट है, इसमें लिखते हैं ज्ञानचंद जी आप जरा बताइए कि आपने कितने जन आंदोलन में मजलूमों का साथ दिया है, पहले भी आपके एक कार्यकर्ता को कहा था कि आज भी कह रहा हूं एक से जीरो होने वाले है, क्योंकि उसकी वजह आपकी ये नफरती सोच है। यहाँ पर ये जो दिलीप जी है इनका कहना है कि अभी विधानसभा में एक सीट है आपकी, आप अगले विधानसभा में जीरो हो जाओगे क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, और आप जो जन आंदोलन कर रहे हैं नेता उनके बारे में ऐसा बोलते हो, गुलाम बोलते हो, चमचा बोलते हो, ऐसा इस ट्वीट का मतलब है। एक ट्वीट अनिल कुमार जी के तरफ से भी किया गया है, ये भी आर्मी के बड़े पदाधिकारी है आजाद समाज पार्टी के, ये लिखते हैं घटिया राजनीति के प्यादे हर जगह दिखाई अपने गंदे इरादे, साहब काशीराम की मेहनत से बनी पार्टी अब दूसरों पर किचड़ उछालने में लग गई है, कल का आया हुआ लड़का आज समाज के जमीन से जुड़े नेता को चमचा बताएगा, यह ऐसे बनेगा समाज का नेता, पहले संस्कार तो सीख ले। आकाश आनंद को टेक करते हुए लिखते हैं आकाश आनंद बीएसपी जितने लोग तुम्हें सुनने आए उससे कहीं दुगनी संख्या में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को सुनने आए हैं, कार्यक्रम दोनों आज ही के दिन हुए हैं। तो इनका कहना है कि जितने लोग आकाश आनंद की रैली में आए हैं उतने तो केवल भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष लेवल के कार्यक्रम होते हैं, संभाग लेवल के कार्यक्रम होते हैं, उसमें ही इतने लोग आ जाते हैं। और इनका यह भी कहना है कि जो आजाद समाज पार्टी बनी है वो काशीराम साहब की विचारधारा पर चलती है, और काशीराम साहब द्वारा बनाई पार्टी आज दूसरों पर लालछन लगाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये कुछ रिएक्शन आया था सोशल मीडिया के ऊपर, जो आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद को गुलाम, चमचा कहा, दो सीटों के लिए रोने वाला व्यक्ति कहा, ये भी कहा कि वो कांग्रेस की गोद में कभी आरएलडी की गोद में जाके बैठ जाते हैं, इसके ऊपर ये कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इनका रिएक्शन आया था। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करके बताओ, और किसका रिएक्शन, किसका ट्वीट आपको अच्छा लगा ये भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपकी क्या राय है आकाश आनंद के बारे में वो भी नीचे कमेंट करो।